जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में सरकार बनाने का मसला अभी भी अटका हुआ है। शाम 5:30 बजे सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन 5 लोगों के साथ राजभवन गए। इसके पहले उन्होंने राजभवन को एक चिट्ठी दी थी कि हमने कल 8:30 बजे आपको सरकार बनाने का दावा पेश किया था, इस पर आपने कोई फैसला नहीं लिया है, हम आमंत्रण का इंतज़ार कर रहे हैं, 20-22 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और राज्य में कोई सरकार नहीं है, संवैधानिक संकट की स्थिति है। राजभवन ने उन्हें 5:30 बजे बुलाया और मुश्किल से 10 मिनट रहे होंगे चंपई सोरेन, उसके बाद बाहर निकल आए। बाहर मीडिया वालों को उन्होंने बताया कि उन्होंने राजभवन को ये बातें दोबारा कही हैं कि हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि राजभवन ने उनसे कहा है कि वे उनके दावे पर संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्दी ही आपको बुलाएंगे। तो झारखंड में नई सरकार के गठन का मसला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने अपना खेल शुरू कर दिया है क्योंकि राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया गया था और आज एक वीडियो जारी हुआ है सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से, उसमें 43 विधायक दिखाई दे रहे हैं, सब एक के बाद एक अपनी गिनती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी देर का वीडियो है, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, इकतीस, बत्तीस, तैतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, अड़तीस, उनचालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, तैतालीस, तैतालीस, 43। तो ये आपने देख लिया, 48 का नंबर सत्तारूढ़ गठबंधन के पास है लेकिन दिखाई अब 43 दे रहे हैं। सीता सोरेन दिखाई नहीं दे रही हैं, चमरा लिंडा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोबिन हेमरम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर 48 में 5 विधायक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बसंत सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं, वो इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन ये चाहते हैं कि बसंत सोरेन ही हेमंत सोरेन के उत्तराधिकारी बने। चंपई सोरेन के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट हो सकती है, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे सरकार गठन में देरी होगी, विधायकों की संख्या कम होती जाएगी, ऐसा जानने वाले बता रहे हैं, क्योंकि खेल शुरू हो गया है। मेरे पास एक सूचना आई दिल्ली से, पूछने वाले ने पूछा कि क्या देवेंद्र फडणवीस रांची पहुंच चुके हैं, ऐसी कोई सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसी आशंकाएं हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि दिल्ली से जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो विधायकों की तोड़फोड़ में महारत रखते हैं, वैसे नेता आज रात तक रांची पहुंच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाल सकते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अपने पाले में करने के लिए या इस गठबंधन से बाहर करने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बन सकती हैं। जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा था कि प्लान बी तैयार है और अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद शुरू हो गई है, हो सकता है कि उनको बाहर भी ले जाया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, सभी विधायक रांची में एकजुट रहेंगे। लेकिन 48 से अब ये नंबर 43 हो गया है और जैसे जैसे समय बीतेगा ये नंबर और कम हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। कांग्रेस में भी ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी मनचाही मांगों को पूरा कराने के लिए दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो 4 विधायक हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री थे,
रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल और बन्ना गुप्ता, इनमें से बयान आ रहे थे, चर्चाएं आ रही थीं कि आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस के बाकी विधायकों में हुई है। कांग्रेस के विधायकों के बारे में तो पहले से भी कहा जाता रहा है कि कुछ विधायक पहले भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, सरकार गिराने की साजिशों में शामिल बताए जा रहे थे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो इन विधायकों को तोड़ने की, इनको अपने पाले में करने की बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कोशिश होती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर चंपई सोरेन के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना और शपथ ग्रहण का न्योता मिलना दोनों ही फिलहाल अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहे हैं। प्रदीप यादव गए थे आज चंपई सोरेन के साथ राजभवन के अंदर। निकलने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि कल हो सकता है कि राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता दें। लेकिन कल और आज के बीच एक पूरी रात पड़ी है और रात में ही सियासत के ज़्यादातर खेल होते हैं। तो ये रात कैसी रहेगी? क्या ये रात भारी पड़ने वाली है गठबंधन पर, या फिर ये रात निर्विघ्न कट जाएगी और कल राज्यपाल बुलावा भेजेंगे चंपई सोरेन को और फिर नई सरकार महागठबंधन की एक बार फिर अस्तित्व में आएगी? इन सब चीज़ों को लेकर अभी बड़ा लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी दिखाई दे रही हैं। गठबंधन के अंदर फूट के बीज दिखाई देने लगे हैं। सीता सोरेन दिखाई नहीं दे रही हैं, लोबिन हेम्ब्रम दिखाई नहीं दे रहे हैं, चमरा लिंडा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में फूट के बीज अंकुरित हो चुके हैं। इनको पुष्पित पल्लवित करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निशिकांत दुबे जिस तरह से लगातार दावे कर रहे हैं तो उनसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, और हो सकता है कि इन असंतुष्ट विधायकों की मदद से जेएमएम को तोड़ दिया जाए और कांग्रेस में भी महत्वाकांक्षाएं अगर हिलोरे मारेंगी तो तराजू पर मेंढक तोलने वाली स्थिति हो जाएगी चंपई सोरेन के लिए। बहरहाल जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। पल पल अभी घटनाएं बदलेंगी, पल पल नए समीकरण बदलेंगे और पल पल रंग बदलते नेता भी दिखाई देंगे। तो इधर सियासत पल पल रंग बदल रही है और उधर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन आज की रात होटवार जेल में बिताएंगे। ईडी ने उनके लिए 10 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई जारी रखी है। कल भी इस पर सुनवाई होगी, लेकिन आज एक दिन के लिए हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कस्टडी टू द ईडी हैज बीन डिनाइड, ही विल बी इन जुडिशियल कस्टडी फॉर टुडे टिल द ऑर्डर इज पास ऑन द रिमांड। कल पीएमएलए कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या हेमंत सोरेन को रिमांड पर दिया जाता है, और दिया जाता है तो कितने दिनों की रिमांड ईडी को मिलती है हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए, इन सब चीज़ों पर नज़रें बनाए रखेंगे, आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे और खबरों के साथ साथ आगे सियासत में क्या हो सकता है इसके मायने भी समझाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।